शायद यही वो पत्थर है जो बड़ी सी चट्टान के ऊपर वो बड़ा सा पत्थर। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो पूरा दातार माउंटेन है वो एक्सप्लोर किया, दातार बापू का हमने दर्शन किया। तो इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नगाड़ा पत्थर और काछलिया विरेड़ा, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा स्टोन, बड़ी सी एक चट्टान है, जो कि वो नगाड़ा कैसे बजता है उसी तरह वो पत्थर बजता है। तो हम वहाँ जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे और रास्ते में ही एक छोटा सा झरना बहता है जो कि कई सालों से वो बह रहा है, इसका नाम है काछलिया विरेड़ा। तो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। वो नगाड़ा पत्थर और काछलिया विरेड़ा यहाँ से काफ़ी दूर है। इस पर्वत के उस छोर पे एक दूसरा पर्वत है, वहाँ पे ये पत्थर है, तो अभी वहाँ हम जा रहे हैं। और यहाँ कोई स्टेप्स या कुछ भी नहीं है। आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम महाकाली माता के मंदिर, वहाँ पे जो केव से वहाँ पे हम गए थे गिरनार पर्वत में, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। अभी फुल ऑफ रोड है, चारों तरफ पत्थर बिखरे पड़े हैं और उनमें से हम चल रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं काछलिया विरेड़ा, जो कि आगे एक छोटा सा कुंड है, जो कोई भी सीजन हो, कितनी भी धूप हो, वो कुंड कभी खाली नहीं होता और सदियों से हमेशा वो कुंड भरा ही रहता है। तो देखते, तो यहाँ पर बापू की समाधि है और आगे ये है छोटा सा कुंड जिसे बोलते हैं काछलिया विरेड़ा, यानी नारियल के ये जो काछली होती है छोटी छोटी, यहाँ श्रद्धालु आते हैं और इस काछली में प्रसाद लेते हैं इस जल का। तो यहाँ दर्शन अभी हो गए, पानी की प्रसादी भी हमने ले ली और अभी आगे चलते हैं नगाड़ा पत्थर की तरफ। तो अभी हम थे उस पर्वत पे और वहाँ से चलते चलते आए हम इस तरफ। रास्ते में आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है, लेकिन फिर भी चलने के लिए काफ़ी स्पेस दे रखी है कि अगर किसी भी उम्र का कोई बुजुर्ग हो फिर भी आराम से चल सकता है। तो अभी ये है यहाँ का नज़ारा। आपने कई पत्थर का नाम सुना होगा, कई सारे वैरायटी के पत्थर आते हैं, जैसे कि समुद्र में पाए जाने वाले वो वाइट स्टोन, जो कि एक दूसरे पत्थर से घर्षण होके वो चमकते हैं, और अफ्रीका में कई प्रजातियाँ जो रेड सैंड होती है, लाल मिट्टी है, उसको पकाते हैं और सूख जाने के बाद वो पूरा पत्थर जैसा हो जाता है और बाद में वो सभी उसका उपयोग खाने के लिए करते हैं। और कई पत्थर जो कि पानी में तैरते हैं, लेकिन ये नगाड़ा पत्थर की बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ, जो कि मुझे कई सालों से पता है कि यहाँ पे पत्थर है, लेकिन एक दो बार पहले मैं आया था, लेकिन कई सालों बाद अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ खास इस नगाड़ा पत्थर को देखने के लिए।
तो अभी फाइनली हम पहुंचने वाले हैं नगाड़ा पत्थर की ओर और एक्सप्लोर करेंगे हम उस पत्थर को और देखेंगे हम वो पत्थर जो कि नगाड़ा की तरह बजता है। और यहाँ से अभी चढ़ान थोड़ी सी तीखी है, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर है, लेकिन वो बजने वाला पत्थर नगाड़े की तरह वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं आगे। शायद यही वो पत्थर है जो बड़ी सी चट्टान के ऊपर, वो बड़ा सा पत्थर है वही है जो नगाड़े की तरह बजता है। तो हम भी देखते हैं और आनंद लेते हैं नगाड़े का इस पत्थर वाले। तो यही है वो पत्थर जो नगाड़े की तरह बजता है, अब भी सुनिए। ये दोनों पत्थर में आप, दोनों चट्टानों में आप फर्क देखिए। ये है नॉर्मल सा पत्थर जो कि नहीं बजता, और ये है नगाड़ा पत्थर, ठीक इसके ऊपर ही ये रखा गया है, यहाँ पर है पहले से ही। जो पत्थर है वो शायद आपने देखे होंगे कि जो पानी में तैरते हैं, और हम समझ सकते हैं कि वो पत्थर काफ़ी हल्के होते हैं वजन में और उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, इसलिए काफ़ी मात्रा में वो पत्थर में हवा होती है, हवा का प्रमाण ज़्यादा होता है, इसलिए वो पत्थर तैर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में शायद मुझे नहीं मालूम कि इसमें से क्यों आवाज़ आ रही है और ये नगाड़े की तरह क्यों बजता है ये पत्थर। और अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था जो कि राजस्थान से था, वहाँ पे एक खदान थी और उस खदान में अभी भी कई सारे ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो कि एक फुटपट्टी की तरह होता है, स्केल की तरह होता है, और वो इतना मजबूत, वो इतना वजनदार होने के बावजूद वो पूरे रबर की तरह हिलता है। और दुनिया में ऐसे कई सारे पत्थर पाए जाते हैं जिसकी अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग उसकी खूबियाँ होती है। तो भी हम थे वहाँ पे, आपको सामने जो पर्वत दिख रहा है उसके पीछे ही दातार मंदिर है, तो वहाँ से हम चलकर आए यहाँ तक। और यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है, आप देख सकते हैं पूरा व्यू, बहुत ही शांति, बहुत ही प्रसन्नता मिलती है इस जगह, ऐसी जगह जब भी आप आते हैं, आप कहीं भी रहते हो, अगर आप किसी भी नेचुरली प्लेस पे चले जाते हो तो आपको दिल से खुशी होती है, दिल से आप प्रसन्न होते हैं और बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कभी जूनागढ़ में आए, दातार में आए, तो ये पीछे दिख रहा यह नगाड़ा पत्थर की अवश्य मुलाकात ले और अपना ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करें। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है दिल से तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, इस व्लॉग को, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को जिसका नाम है डायरेक्शन माइल्स। तो इसी के साथ मिलते हैं नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।